ऑफिशियल पाकिस्तान एम्बेसी ट्विटर का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं खुद भी कि वो क्या कह रहे हैं। अब तक क्वारंटाइन खत्म नहीं हुआ है ऑफिशियली, मैं भी इंशाल्लाह ताला जैसे ही कोई ऑफिशियली अपडेट आती है तो मैं भी अपने चैनल पर जरूर अपलोड करूंगा। ऐसा यकीन बिल्ड करना है तूने अपनी लाइफ बेटा, लोग तुझे फोन करते हो, एक कायनात हमारे मुस्तकबिल के लोगों से फोन करती हो, तुझे लीडर बनना है अपनी फील्ड के अंदर, लोग फोन करते हो तुझे, अपने मसले तुझसे सॉल्व कराते हो, हकीम बनी और हलीम बनी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हसनैन अमन तुर्की। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो क्वारंटाइन के हवाले से मैं आपको ये अपडेट दे दूं कि बहुत सारे चैनल्स पे और बहुत सारी पोस्टें वायरल हो रही हैं कि क्वारंटाइन खत्म हो गया है, बट हम आपको जो है, आपको पता है कभी भी फेक न्यूज नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान एम्बेसी की पोस्ट मैंने शेयर करी है, मैं उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूँ कि पाकिस्तान एम्बेसी ये फरमा रही है कि अभी हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम अभी तुर्किश गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं, जब हमारी बातचीत कंप्लीट हो जाएगी तो श्योर वो पाकिस्तानी एम्बेसी आपको अपडेट करेगी कि क्या मामलात हैं और क्या हालात हैं क्वारंटाइन के। तो इस वक्त रात का तकरीबन तुर्की में 1 बज रहा है और मैं आप लोग के लिए वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ ताकि जितनी भी पाकिस्तानी फैमिलीज मुझे अभी राइट नाउ देख रही हैं वो परेशान ना हो बिल्कुल भी। देखें, मैं खुद चाहता हूँ कि क्वारंटाइन खत्म हो जाए ताकि पाकिस्तानी फैमिलीज आराम से यहाँ ट्रेवल कर सके, बट करंट सिचुएशन इज लाइक दैट। मैंने पोस्ट शेयर कर दिया, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी पोस्ट, और मैं ऑफिशियल पाकिस्तान एम्बेसी ट्विटर का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं खुद भी कि वो क्या कह रहे हैं। तो ये थी अब तक की ऑथेंटिक न्यूज क्वारंटाइन के बारे में। अब तक ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है, तो बराए मेहरबानी गलत खबरों को ना फैलाएं जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज ना अनाउंस हो जाए हमारे पास। तो काइंडली बी पेशेंस, क्योंकि पाकिस्तान एम्बेसी जो तुर्की में मौजूद है उसने यही बात कही है कि थोड़ा सा सब्र रखें, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो पाकिस्तान एम्बेसी फौरन हमें अपडेट देगी और हम आप तक इंशाल्लाह ताला ऑथेंटिक न्यूज प्रोवाइड करेंगे। तो अब तक क्वारंटाइन खत्म नहीं हुआ है ऑफिशियली, इसके बावजूद, ऑफिशियली खत्म ना होने के बावजूद भी बहुत सारी पोस्टें वायरल हो रही हैं, तो उन पोस्टों पे ना कान धरें, उन वीडियोस पे ना कान धरें जब तक, हत्ता कि कोई तुर्किश गवर्नमेंट वेबसाइट पे या पाकिस्तानी एम्बेसी जो तुर्की में बैठी हुई है वो अपडेट ना दे दे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, ट्विटर को पेज को जाके आप लाइक कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए क्वारंटाइन के हवाले से वो आप तक पहुंच जाए, और मैं भी इंशाल्लाह ताला जैसे ही कोई ऑफिशियली अपडेट आती है तो मैं भी अपने चैनल पर जरूर अपलोड करूंगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। इंसान वो काम करे कि क़यामत के दिन अल्लाह बुला के बोले क्या मेरा ये बंदा नहीं कर रहा था, वो काम कर के अल्लाह की दलील बन जा तू वहां, वो काम कर के क़यामत में जब लोग कहेंगे ना ये काम होता नहीं था, ये काम हमारा मसला, तो अल्लाह तुझे बुला के बोले क्या ये नहीं था तुम्हारे अंदर, क्या इसने बर्दाश्त नहीं किया, क्या इसने मिजाज नहीं देखे, क्या इसने वक्त नहीं काटा, क्या इसने तंगी नहीं काटी।